हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में गिब डुहेन इक्वेशन सीखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो गिब डुहेन इक्वेशन का जो लास्ट डेरिवेशन करके जो इक्वेशन आने वाला है वो है समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई। तो यहाँ जो एन है ये है नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ म्यू है केमिकल पोटेंशियल। ओके, इस केमिकल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ये म्यू आई इक्वल टू ये होती है डो जी अपॉन डो म्यू आई। ओके, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये होती है केमिकल पोटेंशियल और ये जो एन है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो देखो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास गिब्स सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सपोज दैट लेट गिब्स एनर्जी है हैविंग हमारे पास उसके उसमें हैविंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है उसमें है। अब देखो उसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, गिब्स एनर्जी है और उसमें क्या है फंक्शन थर्मोडायनेमिक, उसमें थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन कौन कौन से, टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सपोज दैट मान लो नंबर ऑफ मोल्स एन वन एन टू एंड सो ऑन एन आई तक नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है। ओके, एक हमारे पास कोई गिब्स एनर्जी है उसमें टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ये क्या है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ओके, इसे इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं एक। अब क्या करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां देखेंगे हम डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके, टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां देखेंगे हम इसको जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी जी इक्वल टू, अब इस टेम्परेचर को क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डो जी अपॉन डो टी। ओके, और यहां कौन कौन से फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो इसको यहां लिखना होता है डी टी। ओके, जब भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो उसका यहाँ डी टी लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां तो टेम्परेचर को डिफरेंशिएट कर दिया, कॉन्स्टेंट क्या है प्रेशर एन वन एन टू और सो ऑन एन आई तक कॉन्स्टेंट है। ओके, अब क्या करते हैं हम दूसरा वाला फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं प्रेशर को। सो डो जी अपॉन डो पी, प्रेशर को कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली और यहां क्या लिखना होता है डी पी। यहां क्या 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 कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर एन वन एन टू एंड सो ऑन एन आई। ओके, इसी तरह अब हम क्या पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एन वन को, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली। सो डो जी अपॉन डो एन वन और इसको क्या लिखेंगे डी एन वन लिखना होता है और कौन कौन से फंक्शन कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर प्रेशर और यहां एन वन तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया तो एन टू एन थ्री एंड सो ऑन एन आई। ओके, और ऐसे करते करते लास्ट वाले तक हमको क्या करना होता है डिफरेंशिएट करना होता है पार्शियली सो ऑन। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डो जी अपॉन डो एन आई, लास्ट का फंक्शन एन आई तो उसको क्या लिखेंगे हम डी एन आई लिखना होता है और क्या क्या कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर प्रेशर एन वन एन टू एंड सो ऑन। ओके, अब देखो अब यहां क्या लिखेंगे हम, अब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट लेंगे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो उसमें आने वाला चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब डी टी इक्वल टू जीरो एंड डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑल्सो जीरो। तो ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएगी पूरी तरह से कॉन्स्टेंट हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी ये वाली और ये डी पी वाली और डी टी वाली। तो हमारे पास कुछ बचने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास आता है, तो ये तो जीरो हो गया तो क्या बचा डो जी अपॉन डो एन वन और यहां क्या क्या कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर प्रेशर एन वन, अब यहां एन वन को तो डिफरेंशिएट कर दिया है हमने तो एन टू ऑन सो ऑन एन आई और यहां क्या लिखना होता है डी एन वन और इसी तरह और क्या बचा हमारे पास डो जी अपॉन डो एन टू और यहां क्या लिखना होता है डी एन टू और क्या क्या कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर प्रेशर
n1, n3 एंड सो ऑन ni, और ऐसे करते करते हमारे पास कितने फंक्शन, लास्ट का जो फंक्शन है कौन सा है, डो जी अपॉन डो एन आई, और यहां क्या लिखेंगे डी एन आर, और यहां क्या 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 कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो दोस्तों ये जो क्वांटिटी है मैंने पहले ही बोला कि आपको ये जो म्यू है ये क्या है, म्यू है केमिकल पोटेंशियल। उस केमिकल पोटेंशियल की जगह अभी हम ऐसा लिख सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, यूजिंग केमिकल पोटेंशियल हम यहां लिखेंगे, यूजिंग केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, केमिकल पोटेंशियल को मैंने क्या बोला, म्यू आई है, तो यहां क्या होता था डो जी अपॉन डो म्यू आई सॉरी एन आई, यहां एन आई और इन टू टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट होता था। अब यही हमको फॉर्मूला यहां अप्लाई करना है, तो देखो जरा यहाँ के डो जी अपॉन डो एन वन है, तो यहाँ एन आई था, तो यहाँ क्या आएगा म्यू वन आएगा, तो उसी तरह से सिमिलरली हम ऐसा लिख सकते हैं dg इक्वल टू, इसकी पूरे की जगह क्या लिखेंगे हम, ये सिंपल सा म्यू, अब यहाँ आया था तो यहाँ वन है, तो यहाँ वन लिखना पड़ेगा, तो डी एन वन, और ये तो कॉन्स्टेंट वाली टर्म तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली इसी को भी क्या लिखेंगे हम, म्यू टू लिख सकते हैं, क्या डी एन टू, ओके ये डी एन टू एज इट इज रहेगा, प्लस ऐसे करते करते सो ऑन तक, ये जो लास्ट की टर्म है इसको क्या लिखेंगे म्यू आई ये वाली, और डी एन आई, ओके यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब इसे डी एन डी को क्या करेंगे हम, हटा के कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ एक इक्वेशन नंबर दे देंगे। अब सिमिलरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी और क्या क्या कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू, इस म्यू वन को एज इट इज रखेंगे और डी एन वन को क्या सिंपल सा लिखेंगे एन वन, ओके प्लस इस म्यू टू एज इट इज रखेंगे और डी एन टू को सिंपल सा क्या करेंगे एन टू लिखेंगे, और ऐसे करते करते सो ऑन तक इस म्यू आई और डी एन वन की जगह क्या पुट करेंगे हम सिंपल सा एन आई, यहां क्या लिखा हमने कि डी एन वन इक्वल टू एन वन पुट किया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस सेकंड वाले इक्वेशन को, ओके अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन टू। अब टू को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट रूल यूज करना है, म्यू पहले का प्रोडक्ट रूल, पहले का एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, तो सिंपल सा हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि डी जी इक्वल टू, यहां इसको इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आता है पहला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस एन वन एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, ओके क्लियर है यहां तक। फिर से एक बार इस क्वांटिटी को उसी तरह से म्यू टू एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस एन टू एज इट इज डी म्यू टू का डिफरेंशिएट करेंगे, ओके और ऐसे करते करते सो ऑन। तो पहला क्या है हमारे पास, पहला है म्यू आई पहले का, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस एन आई एज इट इज पहले म्यू आई का डेरिवेटिव, समझ में आ गया। अभी यहां क्या करेंगे हम, जो सेम टर्म है वो अलग ले लेंगे, तो सेम टर्म हमारे पास क्या थी, डी जी इक्वल टू यहां म्यू वन डी एन वन, दूसरी क्या है म्यू वाली देखो म्यू टू डी एन टू प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस और क्या है सो ऑन प्लस या क्या है या देखो म्यू आई डी एन आई, ओके इसको एक ब्रैकेट में बना देंगे और बची हुई बाकी की टर्म दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे हम, प्लस का साइन है कुछ भी मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी नहीं है यहाँ, तो यहां क्या लिखेंगे एन वन वाली टर्म लिखेंगे, तो एन वन डी म्यू वन प्लस यहां क्या है एन टू वाली, यहां एन टू डी म्यू टू और ऐसे करते करते सो ऑन और एन आई डी म्यू आई, ओके यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या किया हमने, सिर्फ एक जो सेम टर्म है, ये जो ए वाली टर्म ये म्यू टू और यहां म्यू आई वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिया और ये तीनों टर्म एक ब्रैकेट में ले ली। अब इसे इक्वेशन नंबर दे देते हम थ्री, इसको इक्वेशन नंबर दे देते थ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसको लिखना होगा, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर की दो लाइन में मिटा देता हूं, ओके। अब देखना है आपको इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर तीन को कंपेयर करना है आपको, मिटा दो इसको, ओके।
अब देखो यहां हम सिंपल सा लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड थ्री, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन वन एंड थ्री क्या है, वन हमारे पास क्या है, ये देखो dg इक्वल टू म्यू वन डी एन वन और ये टर्म, और इक्वेशन नंबर टू क्या है, ये दोनों की एक साइड सेम है, ओके इसकी लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, तो इस dg की जगह हम क्या पुट करेंगे, इस dg की जगह ये dg की वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंपल सा ये हमारे पास इसकी जगह क्या करते थे हम, dg की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो यहां क्या लिखेंगे हम, म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस सो ऑन म्यू आई डी एन आई इक्वल टू, ये क्या कर दिया हमने, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां उठा के रख दी और ये वाली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस सो ऑन म्यू आई डी एन आई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, एन वन डी म्यू वन, ये देखो एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू और सो ऑन, ऐसे करते करते एन आई डी म्यू आई, ओके। अब देखो दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों साइड में क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, कैंसल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास इसको इस तरफ लिख लेते हैं और यहां बचा हुआ जीरो उस साइड लिख लेते हैं। तो क्या बचता है हमारे पास, एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस सो ऑन एन वन एन आई डी म्यू आई, और यहां क्या बचा, सिर्फ जीरो बचा। अब इसको अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, सम हो रही है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की और केमिकल पोटेंशियल की, कहां तक, आई तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एन आई डी एन आई इक्वल टू जीरो, ओके। तो यन क्या है, यन कहां से कहां तक है, आई कहां तक, कहां से कहां तक है, वन से लेकर आई तक है। तो यही हमको प्रूफ करना था, इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज ए गिब्स डोहम इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड गिब्स डोहम इक्वेशन, गिब्स डोहम इक्वेशन। तो बस यहां तक अगर आप लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। तो बस इसी तरह से यही था गिब्स डोहम इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे का टॉपिक्स आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी वीडियो के साथ फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।